बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को यहाँ इस तरीके से उनका खंभा गाड़ा कि अब वो उखड़ने वाला नहीं है। क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को एडॉप्ट किया था और उनके साथ 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बाबा साहब ने 1931-32 में ये कह दिया था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। उनके उन्होंने करके दिखाया, जिसकी वजह से आज हम बौद्ध धर्म में सांस ले रहे हैं। ये हमें कृतज्ञ होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब वो हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमें धम्म दिया है, इसलिए बाबा साहब का ध्यान करना जरूरी है। भगवान बुद्ध के बारे में ये कहना बहुत सी बातें हैं, क्योंकि धम्म को किसी ने जाना नहीं। और जो त्रिपिटक में है, भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में, त्रिपिटक एक ऐसा साहित्य है जो पाली का साहित्य है, और त्रिपिटक में बहुत ग्रंथ हैं। त्रिपिटक मतलब तीन पिटक। तीन पिटक का मतलब नंबर एक विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के लिए उनके रीति, उनके नियम और उनके शीलों का वर्णन है, और अगर वो शील का वायलेशन करते हैं तो उनको किस तरीके से सजा दी जाती है, किस तरीके से उनको उससे रोका जाता है, ये उसमें कहा है। और वो सिस्टम वो है जिसको अंग्रेजों ने पढ़ा, अंग्रेजों ने फॉलो किया, और आज वो हमारे देश में वही सिस्टम प्रेविलेंट है। क्योंकि वो भिक्षु का ट्रायल करते हैं जो शीलों का वायलेशन करता है, और वो एक सभा बैठती है और वहाँ सारी सभा उसको तय करते हैं, और वहाँ उसी तरीके से उसमें भी 4-5 किताबें हैं। तो अब रहा दूसरा है सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में 5 निकाय हैं, दीर्घ निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, मध्यम निकाय है, और एक पुद्दक निकाय, इस तरीके से 5-5 है। और हर एक में इवन पुद्दक निकाय एक बाद में, उसमें 15 ग्रंथ हैं, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं जिसमें जातक वगैरह भी आते हैं। बहुत वो तो एक साहित्य की बात है, लेकिन वो विशाल समुद्र की तरह है, हम लोगों को सभी को उसको। दूसरा, तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में भी 7 ग्रंथ हैं, और वो बड़े आसानी से अवेलेबल नहीं होते, लेकिन नहीं हुए बहुत। वो सारा साहित्य, सारा लिटरेचर इंडिया से गायब और ख़त्म कर दिया गया था। देखिए, यूनिवर्सिटी में आग लगा दी गई थी, खैर वो समय था, वो सब सत्य, लेकिन आज लिटरेचर अवेलेबल है, आज हमको ज्ञान मिल रहा है, आज हमारा चक्षु खुल रहा है। तो मैं भगवान बुद्ध के बारे में सिर्फ एक छोटा सा जीवन परिचय देते हुए मैं उन बातों को थोड़ा सा आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए मैं बताऊंगा कि क्या वो था। भगवान बुद्ध एक बोधिसत्व थे, सुमेध उनका नाम था, और उन्होंने महामाया के गर्भ से जन्म ग्रहण किया, और ईसा पूर्व 583 वर्ष पहले जन्म लिया। और उस समय ही उनके बारे में असित ऋषि आकर ये कहा था कि ये अगर ग्रस्त होगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर और मुझे इसकी संभावना नहीं, और अगर ये ग्रस्त नहीं होगा और परिव्राजक होगा तो ये एक बहुत बड़े सत्य, एक अलग धर्म की स्थापना करेगा जिससे सारे लोगों का, सारे संसार का दुख दूर होगा। ये उनकी ऐसी परिभाव थी, भविष्यवाणी थी। राजा को बड़ा संशय हुआ, और राजा को, हालांकि असित जी बहुत बड़े होते और उन्होंने बड़ा दुख भी किया कि जिस समय ये बुद्धत्व लाभ करेंगे उस समय मैं जीवित नहीं हूँ, इसलिए उन्हें बड़ा दुख भी हुआ और उन्हें आंसू से रोए, तो उन्होंने बड़ा महसूस किया। खैर, उसके बाद सिद्धार्थ उनका नाम था, 7 दिन के बाद उनकी मदर का डेथ हो गई, मतलब परिनिर्वाण हो गया। उसके बाद उनको महाप्रजापति, जो उनकी बड़ी माँ थी, यानी उनकी मौसी थी, उनकी बहनी थी महामाया, उन्होंने उनको पालन पोषण किया, और अल्टीमेटली 20 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ। और फिर उसके बाद एक वहाँ संघ था, संघ का मेंबर बनाया गया, और 9 वर्ष तक उन्होंने उस संघ में पूरी वफादारी के साथ काम किया, और संघ के ही प्रकरण के कारण उनको बन जाना पड़ा, उनको देश छोड़ना, कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था और कपिलवस्तु को छोड़ना पड़ा। वो प्रकरण ऐसा रहा कि जब वो संघ के मेंबर थे तो उस समय रोहिणी नदी होती थी जो कोलियों के और जो ये साक्यों के बीच में पानी बंटवारे का इशू था, उस पर झगड़ा हुआ, और झगड़े के बाद उस पर जब झगड़ा हुआ तो उसको
सैनिक जो जो सेनापति संघपति थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में जो भी नियम थे उनके कहा कि जो तीन बार एक प्रपोजल पास होगा तो माना जाएगा। इसी तरीके से कहा कि हम युद्ध छेड़ना चाहते हैं, हालांकि भगवान सिद्धार्थ ने उस समय सबसे ज्यादा अपोज किया, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अपोजिट, और कहा कि मैं युद्ध को नहीं चाहता, पहले हमें इसकी परीक्षा करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कौन लोग पहले गलती पर थे और उसके हिसाब से एक एक आर्बिट्रेशन बना देना चाहिए जो हमेशा के लिए इसका हो जाए, दुख का ये युद्ध का हमेशा से निपटारा हो जाए। उसकी बात उनकी बात नहीं मानी। खैर मीटिंग में हो गया कि बस वी शुड रेज अवर हैंड्स फॉर द फाइट अगेंस्ट द कोलीज। तो क्या हुआ कि उसी मीटिंग में दूसरे दिन भर्ती करने के लिए भी फिर मीटिंग बुलाई, तो जिन लोगों ने पहले कहा था वो प्रपोजल पास किया था उनके लिए तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ बुद्ध ने उन्होंने सिद्धार्थ ने कहा कि मैं युद्ध में नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से युद्ध छेड़ने से हमारी इस समस्या का सॉल्व होगा, ऑन द अदर हैंड ये हमारे साक के लोग और कमजोर होंगे और हमारा शासन कमजोर होगा, इसलिए क्योंकि उस समय महाराजा प्रसेनजीत कौशल के जनपद के होते और वो उनके अंडर कंट्रोल था, कुछ अधिकारों का वो इस तरह इस्तेमाल नहीं कर, उसी रूप में तब ये बात आई। तो खैर अल्टीमेटली उन्होंने सुझाव स्वयं ही दिया कि मैं परिव्राजक बन जाता हूँ, वो भी मेरा एक देश छोड़ तो दो, को कुछ सजाएं थी जो संघ दे सकता था, उनकी जमीनों को जायदाद को जब्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे को तकलीफ न देकर कहा कि मेरे माता पिता को कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं असली दोषी मैं हूँ, इसीलिए जो भी सजा देनी है फांसी देनी है या मुझे देश निकाला देना है जो भी देना मुझे दीजिए। तो अल्टीमेटली वो निश्चय हुआ और उन्होंने कहा कि मैं स्वतः चाहे मेरे माता पिता से मुझे आज्ञा मिले या ना मिले मैं स्वयं अपना ये देश छोड़ जाऊंगा और इसकी शिकायत मैं महाराजा प्रसेनजीत से बिल्कुल नहीं करूंगा, ये मेरी अपने उसकी बात है। खैर एनीवे उसी प्रकरण में जो हम कहते हैं और 29 साल की अवस्था में सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु को छोड़ा था और परिव्राजक बने थे, ये समझना चाहिए। और उसके बाद 29 साल में हालांकि उनके माता पिता बड़े दुखी हुए, सारा कपिल वस्तु दुख हुआ, बट उन्होंने किसी को नहीं देखा। उसी समय राहुल 7 दिन का था और जो उनकी पत्नी थी उन्होंने उस समय बड़ी वीरता का परिचय दिया। उस समय जहाँ सिद्धार्थ ये समझते थे कि उनकी पत्नी इस तरह रोएगी कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं भी होती तुम्हारी जगह तो मैं भी यही करती और आप जा रहे हो तो कोई ऐसे मार्ग को ढूंढिएगा, ऐसा मार्ग दीजिएगा जो संसार का कल्याण हो। ये बड़ी एक्साइटमेंट मिली उनको और उसके बाद सिद्धार्थ बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े एक्साइट होकर वहाँ से निकले और फिर उन्होंने अपने परिव्राजक के लिए जो भी जरूरी चीजें वो की, भरद्वाज के आश्रम में जाकर उसके बाद वो चले और वो तुरंत छोड़ दिया। उस दौरान में 6 साल तक उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की, उन्होंने सभी पद्धतियाँ सीखी, योग की भी और उन्होंने सभी श्वास की भी, समत की भी, समाधि की भी, सभी सीखने के बाद वो तृप्त नहीं हुए। उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसा नहीं हुआ कि युद्ध से क्यों, युद्ध क्यों होता है, लड़ाई क्यों होती है, क्यों एक दूसरे से हम लड़ते रहते हैं, ये एक विरोध की भावना है और विरोध क्यों होता है ये इन सब के कारण जानने चाहते थे। तो इसी रूप में उन्होंने वो गए आगे और जाकर उन्होंने बहुत सी जगह देखी और उन्होंने 6 साल तक उन्होंने तपस्या भी की और इस हद तक की कि पूर्ण तपस्या में उन्होंने उनका शरीर भी काफ़ी कमजोर हो गया और उसके बाद उन्होंने देखा कि मुझे कोई प्रकाश दीखता नहीं, इसलिए ये बेकार है। इसीलिए उन्होंने कहा दो सूत्र उन्होंने दिए, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। ये शाश्वतवाद वो था जो आत्मा को जानकर आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से महात्मा, ये सब चीज़ वो एक उच्छेदवाद था, खाओ पियो मौजवा, इन दोनों के बीच में उन्होंने मध्यम मार्ग की। तो फिर वो जब गुस्सा खुला हुआ तो मैं उसको, तो उसके बाद उन्होंने अपना भोजन किया तो कुछ जो 6-5 लोग थे जिनको सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का प्रण किया, वो लोग उनको छोड़कर चले गए कि ये तो आराम कल भी हो गया है और ये त्याग वो नहीं कर, तपस्या नहीं करता। इसलिए उसके बाद आप समझिए जब उनको उन्होंने संकल्प करके अपना निश्चित स्थान पर ध्यान लगाया
और चतुर ध्यान पर पहुंचे तो उसके बाद उन्हें प्रकाश मिला, और प्रकाश मिलने के बाद उन्होंने एक गाथा कही थी। मेरे ख्याल से लोग शायद समझ जाएं, मैं पाली में बोलूँगा वो गाथा और उसका अर्थ भी बताऊँगा। भगवान बुद्ध उनको इसलिए कहा उसके बाद, पहले वो सिद्धार्थ थे, उन्होंने कहा जैसे ही जब उनको लाभ हुआ तो उन्होंने कहा अनेक जाति संसारं, अनेक जाति संसारं संधा विषम अनिबकम, यानी मैं अनेक जातियों, जाति का मतलब जन्म से है, मैं अनेक जन्मों तक इन संसार में बिना रुके दौड़ता रहा। गह कारकं गवेशंतम दुखा जाति पुनः पुनः, मैं गृह कारक को ढूंढता, कौन से ऐसे कारण हैं, कारक हैं जिनकी वजह से मेरा यह शरीर बनता है। इस तरीके से मैं गृह कारक को ढूंढता हुआ, उन चीजों को देखता हुआ मैं बार बार जन्म हुआ। आपने पढ़ा होगा जातक कथाओं में 559 का कथाओं का वो, उस समय भगवान बुद्ध ने अपने अपने वो दिए हैं, तो वो सब है। तो कहने का मतलब ये कि बार बार उनका पुनर्जन्म हुआ। और इस तरह से गह कारकं, अब तीसरी बार गह कारकं दिट्ठोसी, तब वो कहते हैं अब मैंने गह कारक तुझे देख लिया है, क्या देख लिया है, पा लिया है। गह कारकं दिट्ठोसी पुनः गेह न का, मेरा घर नहीं बना सकता, यानी मेरा पुनर् अब जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका कारण उन्होंने बताया, ही मस्ट अंडरस्टैंड, जो साइंस के विद्यार्थी उनको समझना चाहिए। गह कारकं दिट्ठोसी पुनः गेह न कहासी, दोबारा घर नहीं बना सकते, क्यों, भग्गा ते फासुका सब्बा, तेरी जितनी भी कड़ियां थी वो मैंने तोड़ दिया। कौन सी कड़ियां थी ये समझना चाहिए, यही प्रतीत समुद्पाद का सिद्धांत आता है जो कड़ियों को बताता है। वो 12 कड़ी है और 12 कड़ियों का किस तरह से होता है वो समझना चाहिए, जानना चाहिए, उस पर उसको समझ कर जानकर चलना चाहिए। गह कारकं भग्गा ते फासुका सब्बा गह कूट विसंकितम, और तुम जो जो बिल्डिंग का गृह कूट होता है, जो ऊपर ऊपर छज्जा होता है, ऊपर जो ऊपर छज्जा होता है उसको भी मैंने तोड़ दिया है। क्यों, कैसे तोड़ दिया है, विसंखार गतम चित्तम, मेरा चित्त भी संस्कृत हो चुका। कैसे जन्म होता है, जब आदमी के अंदर संस्कार होते हैं तो ही दोबारा जन्म होता है, संस्कार ना हो तो कोई जन्म नहीं होगा। विसंखार गतम चित्तम तन्ना क्षय मय जगत, तन्ना क्षय चित्त कूट है, ग्रह कूट है जिससे सब पैदा होता है, सब चीज होती है, आदमी दुखी रहता है, आदमी को सभी दुख इस तृणा के कारण ही, तृष्णा के कारण ही होते हैं, इच्छाओं के कारण ही होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर भगवान बुद्ध को ने ये वो कहा था। और इनमें आप समझिएगा कि उन्होंने जब दुख के बारे में कहा तो दुख क्यों पैदा होता है इसका कारण उन्होंने धम्मपद के पहले गाथा में कहा है। धम्मपद एक खुद्दक निकाय में पहला ग्रंथ है, हालांकि छोटा है लेकिन वो इतना मार्मिक है, 419-23 गाथाएं, और एक एक गाथा उन्होंने हर एक उसको एक एक जगह पर उन्होंने उपदेश देकर कहा। कहते हैं वो क्या है, वो समझना चाहिए हमको अगर बुद्ध को जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा, और वो आप लोगों से भी कंसर्न है सभी से, क्योंकि आप लॉ में डील करते हैं, लॉ का मतलब है हर समस्या का निदान करना। आपके सामने समस्याएं हैं, हर तरीके का आदमी आपके सामने आता है, उसको कैसे, तो वो कहा है, वो कहते हैं मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मनसा चे पदुठेने भासति वा करोति वा ततो नन दुखं ननवेति चक्कम वे बहतो पदम। यानी दुख इसलिए पैदा होता, कैसे, मन सभी धर्मों का सभी कर्मों का अग्रगामी है, जो काम करता है मन से करता है, और हर चीज मनोमय होती है। जब मनोमय होती है तो मन को ही समझना चाहिए, हर चीज मनोमय होती है। अब वो कहते हैं यो प्रदुष्ट मन से, जब आदमी मन, अगर दो तरीके का होता है, पवित्र मन होता है, पाप मन, साफ मन होता है, एक अपवित्र मन होता है। अब ये क्यों होते हैं ये समझना जरूरी है, ये आदमी को ही समझने की जरूरत है, अपने दुख को दूर करने के लिए। मनो पुग्गम ममा धम्मा मनो सेठा मनो स्मया मनसा चे पद उठे ने भाषति वा करोति वा। जब प्रदुष्ट मन से कोई आदमी बोलता है या करता है तो दुख उसका ठीक उसी तरह पीछा करता है, जैसे गाड़ी के पहिए को, गाड़ी का पहिया बैल का पीछा करता है। वो उपमा दी है। अब आप देखिए
अगर मन पवित्र है और मन अपवित्र क्यों है, अपवित्र तीन कारणों से होता है, तीन अकुशल कर्मों से होता है जो भगवान बुद्ध ने कहा है। अब कौन अकुशल कर्म है? नंबर एक राग है, राग का मतलब लोभ से मतलब है, द्वेष है दूसरों से हम घृणा करते हैं, तीसरा है मोह है जिसमें हम अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं। तो अविद्या के कारण, राग के कारण या द्वेष के कारण हम किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं या किसी के खिलाफ कुछ करते हैं तो हमें दुख होगा और हमें उसका कारण क्यों ये आप समझिएगा। एक जगह भगवान बुद्ध ने कहा है वहीं आगे उसी धूमपद में कि नानंत लिखे ना समुद्र मज्जे ने पवतानम विभ्रम पवसी ने विजतीसो सब जग ने विजतीसो जगदीप देशे यथट्ठितो मुंचति पाप कम्मा। आदमी पाप कर्म से मुक्त तो नहीं होता, जो भी किया है उसको भोगना ही पड़ेगा, ये भगवान बुद्ध ने पहले ही कहा है। और इन सब चीज़ों को उन्होंने देखा है, समझा है, जाना है, और इसीलिए उन्होंने अपने अपने जब भी लोगों को सामने आए उन्होंने उनको समझाया कि चाहे कहीं भी चला जाए किसी भी तरीके से रहे पाप कर्म से मुक्ति नहीं। तो इसलिए जब आदमी इस तरीके से पवित्र मन को साफ रखे तो मन को समझने वाली बात है, मन को पवित्र करने वाली बात है, और जब मन पवित्र करेगा तो निश्चित रूप से दुख का कारण नहीं होगा, दुख आपको उत्पन्न ही नहीं होगा। इसीलिए जो लोग निष्पक्ष होकर राग से अलिप्त होकर द्वेष से अलिप्त होकर यानी कुशल कर्मों से अलिप्त होकर यानी कुशल कर्म करते हैं, कुशल को ध्यान में रखते हैं, कुशल क्या है? अलोभ अराग और अमोह, ये कुशल कर्म है। जब आदमी मन की प्रक्रियाओं को इस तरह रखेगा कि मन पवित्र रहेगा तो क्यों किसी का बुरा करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो उसके दुख का कारण होगा खुद के। इसीलिए समझने की जरूरत है जब दूसरों को दुख नहीं देंगे तो क्यों आपको दुख होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि पांच शीलों का, पहली चीज तो ये है कि लोगों के रहते हुए कोई मापदंड होने चाहिए जिससे आदमी अपने कर्मों को जान सके कि मेरे मापदंड क्या है, क्या मैं ठीक चल रहा हूँ, क्या मैं समाज का कल्याण कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उनके पांच है, नंबर एक प्राणाति पाता वीर भगवान, अभी हमारे भंदे जी ने हमें दिया था, ये सब पांच शील वही है कि हर ग्रस्त को ये पांच शील फॉलो करने चाहिए। अगर वो शीलों का पालन करेगा तो निश्चित रूप से वो किसी की हिंसा नहीं करेगा, किसी की चोरी नहीं करेगा प्रॉपर्टी की, और व्यभिचार भी नहीं करेगा, दूसरी झूठ भी नहीं बोलेगा, तीसरी चीज़ नशा भी नहीं करेगा, क्योंकि आदमी की बुद्धि विकृत होती है, जब विकृत होती है बुद्धि तो निश्चित रूप से उल्टे सीधे काम करता है। तो ठीक तरीके से उन्होंने वो पंचशील दिए जो सभी लोगों ने, भारत में ज़्यादातर उन शीलों को पालन किया गया है। भिक्षुओं के लिए अष्टशील, 11 शील, 16 शील और 200 मतलब श्रावणेर के लिए 10, 8, 8 शील, 11 शील, 16 शील होते हैं, और भिक्षुओं के लिए 227 शील होते हैं जो उन पर चलते हैं, और वो कल्याण मार्गी होते हैं, सबका कल्याण करते हैं, वो ग्रस्त नहीं होते, उन्होंने शादी नहीं करते, ग्रस्त नहीं होते, और इसीलिए वो सबका कल्याण करते हैं। आज जैसे हमारे भंते जी बैठे हुए हैं वो हमारे कल्याण के लिए ही आए हैं, क्योंकि ठीक उसी तरीके से इस तरीके से आप ये देखिए, एक बार एक अज्ञ ब्राह्मण थे, नाम था उनका अज्ञ, वो जनरली लोगों को कहा करते थे कि भाई आप पर्वतों की शरण में जाओ, जंगलों की शरण में जाओ, चैत्यों की शरण में जाओ, वृक्षों की शरण में, जिससे आपका कल्याण होगा। तो वो भगवान बुद्ध को एक बार पता लगा कि अज्ञ ऐसा बोलता है, तो उन्होंने कहा कि उनको एक बार वो वहाँ आए तो उन्होंने बुलाया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या अज्ञ तुम ऐसा कहते हो कि हम भगवान मैं कहता हूँ, झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने तब कहा कि कैसे, तो उन्होंने बताया कि ये आपकी कल्याणकारी शरण नहीं है, असली कल्याणकारी शरण है तो ये है। तब उन्होंने कहा था कि बहु वे शरणम यान्ति पवतानि वनानि च आराम रुक्य चैत्यानि मनुष्या भय पश्यता, यानी मनुष्य इनकी शरण में क्यों जाता है, त्रसित होकर भयभीत होकर जाता है, अगर भयभीत नहीं है तो कहीं जाता ही नहीं है, भयभीत होकर जाता है। लेकिन ये नैतम शरणम खेमम, ये शरण खेम कल्याणकारी नहीं है, नैतम शरणम उत्तम, ये उत्तम शरण नहीं है, तो नैतम शरणम आगम्य सब दुख पुमोचति, इनकी शरण में जाकर कोई दुख नष्ट नहीं होता, इसलिए बेकार है। तब उन्होंने कहा कि कौन सी शरण ठीक है, तो तब उन्होंने बताया
यो च बुद्धं च धम्मं च, यो च बुद्धं च धम्मं च संगं च शरणं गतो। जो आदमी बुद्ध की शरण में गया है, जो आदमी धम्म की शरण में गया है, जो आदमी संघ की शरण में गया है, जो चत्तारी चत्तारी आर्य सब योचे बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो चतारु आर्य सच्चानि संपंग्याय पश्यति। और जो चार आर्य सत्यों को जो अभी बताया था, कौन से चार आर्य सत्य? नंबर एक, दुख का एग्जिस्टेंस होना, संसार में दुख है ये जानना। नंबर दो, दुख के वो कारण हैं। नंबर तीन, दुख का निवारण भी है, दुख का वो रास्ता भी है जिससे, और दुख निवारण का रास्ता भी है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इन सब चीजों को जानते हुए जो आदमी संपंग्या है, प्रज्ञा से, प्रज्ञा अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। प्रज्ञा जब आदमी होती है तो निर्मल बुद्धि को प्रज्ञा कहती है, और निर्मल बुद्धि किसी के लिए फेवर नहीं करती, किसी के लिए द्वेष नहीं करती। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हो संपंग्या पश्यति आर्य अष्टांग को मग्गो दुख उपशम गामनिम। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है वो दुख को उपशमन करता है, शांत करता है। और ये तो इसलिए इन सब चीजों को कहते हुए उन्होंने कहा कि ये शरण है। क्यों? एतम वे शरणम केम, ये शरण उत्तम है, केम है, कल्याणकारी है। एतम शरणम उत्तम, एतम शरणम आगम सब दुख पुमच्छति, इनकी शरण में आकर आदमी सब दुखों का नाश करता है। तो जब आदमी को दुख होता है तो आर्य अष्टांगिक मार्ग के चार आठ आठ कौन कौन से हैं वो हमें समझना चाहिए। नंबर एक, सम्यक दृष्टि व्यू, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट व्यू। सम्यक दृष्टि, आदमी की दृष्टि वो होनी चाहिए जो सत्य हो और प्रज्ञा से युक्त हो, और जो अच्छे और बुरे का ध्यान वो कर सके, ये नाप सके, ये देख सके क्या अच्छा है क्या बुरा, क्यों है, क्या है क्या बुरा है, क्यों है, ये भी समझना चाहिए। ये राइट व्यू का काम है। दूसरा है सम्यक संकल्पो, पाली में कहते हैं सम्यक संकल्प, जो निर्णय करता है, जो करने के लिए निर्णय करता है वो सम्यक संकल्प में आता है। तीसरी चीज है सम्मा वाणी, सम्यक वाणी, वाणी से जो बोलता है वो निश्चित रूप से सभी वाणी के दोषों से दूर होना चाहिए, वो होना चाहिए। और वो वाणी के दोष कौन से हैं वो मैंने बताया कि मिथ्या, वो कहते हैं मुसावादा आता है जो पांच चौथा शील है, लेकिन उसमें भी चार और शील होते हैं, उन सबको देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नंबर चार, सम्यक कम्मन्तो, काम का, कर्म का, जो भी काम करता है उसका अंत सम्यक होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। अब कर्म में ही आदमी गलत करता है, गड़बड़ करता है, बोली भी गलत करता है, बोल भी जाता है, दूसरों को गाली भी दे देता है, उल्टा सीधा भी बोल देता है। अब रहा पांचवा है सम्माजीवो, सम्यक आजीविका। अब सम्यक आजीविका में और दूसरी आजीविका में बहुत अंतर है। अब सम्यक आजीविका कितना ग्रहण करते हैं, कितना लोग चलते हैं, ये देखने की जाता है। जो आदमी सम्यक आजीविका का पालन करेगा, मतलब ही नहीं होता कि उसको कोई दुख होगा, निश्चित रूप से उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, निश्चित रूप से, ये निश्चित बात है। तीसरी, चौथा है सम्यक व्यायामो, सम्यक व्यायामो, सम्यक व्यायाम, जो प्रयास करते हैं, जो हर काम को करने के प्रयास करते हैं वो सम्यक व्यायाम होता है। सातवां होता है सम्यक स्मृति याददाश्त, आपको मेमोरी वो रखनी चाहिए जो आप सही चीजों को याद रखें और उन चीजों पर अमल भी करें। और आठवां है सम्यक समाधि, समाधि में बहुत अंतर है। जो लोग दूसरी समाधियां लगाते हैं, मैंने देखा है जिन लोगों ने विपश्यना के केंद्र अटेंड करें वो समझ गए होंगे, वो जानते होंगे कि सम्यक समाधि का क्या मतलब होता है। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आदमी इस आर्य अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करेगा, निश्चित रूप से गारंटी के साथ, ये मेरा जीवन का अनुभव रहा है, मैं हर तरीके की परेशानी में रहा हूं लेकिन मैंने कभी धैर्य को नहीं खोया, मैं भगवान बुद्ध को 70 से जानता हूं, 70 से मैंने पढ़ा है और उनको फॉलो किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आदमी स्वयं अपने दुख का कारण है, दुख अपने आप पैदा करता है, अगर वो सत्य मार्ग पर चलेगा मतलब ही नहीं होता कोई उसको दुख है। इसीलिए भगवान बुद्ध का धर्म सार्थक है, सविनयन है, हर तरीके से ये आदि में अंत में और मध्य में, आदि में मध्य में और अंत में कल्याणकारक है। इसीलिए एक ऐसा धर्म है जिसको स्वयं आप जब करना चाहो, जब शुरू करो तभी आप स्टार्ट से उसमें कल्याण होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध के धर्म को संसार में सबसे ज्यादा माना है, और जो लोग इस तरीके के हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो इस चीज को समझते हैं। और आज बुद्ध के बारे में लोग चर्चा भी करते हैं, मानते भी हैं, चलते भी हैं, अमल भी करते हैं, जो अमल करेंगे वो फायदा करेंगे। एक गाथा के साथ मैं अपनी अपनी कहना आपके
समझ में अपनी बात व्यक्त करूंगा। इसके बारे में कहा है कि बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने से कुछ काम नहीं होता, पढ़ने से बहुत ज्यादा वो नहीं होता, पढ़ लेते मान लिया, लेकिन अमल कितना करते हैं ये देखना। इसको भगवान बुद्ध ने यमक वर्ग में, धम्म पद के यमक वर्ग में कहा है। वो कहते हैं बहुम पिचे सहितं भासमानो, आदमी बहुत सी आचार संहिताओं का वाचन मात्र करता है, बोलता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन उन पर अमल नहीं। बहुम पिचे सहितं भासमानो ने तक करो होती नरोपमतो, लेकिन वो प्रमादी आदमी ऐसा करता नहीं है। जब सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब चीजें कहता है लेकिन करता नहीं। वो झूठ भी बोलता है, वो अनर्थ भी बोलता है, नरगल भी बोलता है, गाली भी देता है। अब सवाल ये हुआ कि जब ये करता है तो क्या है, गोपो व गायो गण्यम परेशम, वो ग्वालियों की तरह, ग्वालिया जैसे गायों को चराने के बाद दूसरों को देता है, नए भगवान सौमनस्य होती, चाहे उसने कितना ही दम पढ़ लिया लेकिन अगर उसने अमल नहीं किया तो उसका कोई लाभ नहीं है। ये समझ, नए भगवान सौमनस्य होती, उसका मन सुमन नहीं होता, और जब मन सुमन नहीं है, पवित्र नहीं है, तो वो किसी तरीके से सुख का एंटाइटलमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से ये साइंटिफिक धर्म है, जब आप काम करोगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।